हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल में हम बात करने वाले हैं आपसे CBSE 12th क्लास बोर्ड के बारे में। जैसे कि कल कोर्ट में हियरिंग थी, बहुत सारी डिस्कशन हुई, बट जो मेन हियरिंग है, जो पिटीशन है ऑन कैंसिलेशन ऑफ क्लास 12th एग्जामिनेशन, उसकी नेक्स्ट हियरिंग जो होगी वो होगी मंडे को, जो कि है 31 मई। ऐसा कहा जा रहा है कि 1 जून तक जो मेन डिसीजन है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे CBSE के थ्रू ट्वीट हो रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि हर चीज़ को ध्यान में रख के ही एग्ज़ाम होगा, अगर होगा तो। अगर कोई बच्चा है जिसकी तबीयत ख़राब है, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है और वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, तो दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है। वो सेकेंड या थर्ड टाइम एग्ज़ाम देने का उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी बंदा सिर्फ जनरल पासिंग डिग्री से पास हो। वो प्रॉपर एग्जामिनेशन लेंगे, बिकॉज 12th क्लास के कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी पूरी लाइफ में मैटर करते हैं। उसकी वजह से वो सारी चीज़ें का ध्यान रखेंगे। अलॉन्ग विद दैट, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ने बहुत सारे पिटीशन के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे आर्टिकल्स भी निकले हैं जिनमें उन्होंने अलग अलग तरीके बताए हैं कि आप ऐसे भी एग्जामिनेशन ले सकते हैं, उनकी लाइफ रिस्क पे डाल के एग्जामिनेशन ना ले, उस पर भी आर्टिकल आए हैं। तो उस पर भी उससे भी अभी बातें हो रही हैं कि क्या पता आपने जिस तरीके को बोला, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि आप वीडियो कॉल पे इंटरव्यू ले सकते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि सामने वाले स्टूडेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से, उस बेसिस पे आप हमें मार्क्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रख के अभी पिटीशन पे बात चल रही है। तो एग्ज़ाम कैंसिल हो और आपके इसी तरीके जो आप लोगों ने सजेस्ट किए हैं उस तरीके पे हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, जैसा डॉक्टर रमेश बता रहे हैं कि वो ध्यान में रख के सारी एग्जामिनेशन की बात होगी, हर चीज़ ध्यान में रखी जाएगी। सो गाइस, प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सारे अपडेट्स आपके बोर्ड्स के बारे में देते रहेंगे इस चैनल पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इस वीडियो ने हेल्प की हो। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, होप यू हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।